गुजरात के साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने शनिवार को सरेंडर कर दिया है। अली ने जिला न्यायालय में अपने वकीलों के साथ सरेंडर किया है। अली प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगने के मामले में फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने अली की गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। बता दें कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में अली अहमद की तरफ से अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन कहीं से राहत नहीं मिली। पुलिस ने अली अहमद की तलाश में यूपी समेत दूसरे राज्यों में भी छापेमारी की कार्रवाई की थी, लेकिन गिरफ्तार करने में नाकाम रही, जिसके बाद आज चकमा देकर अली अहमद ने अपने वकीलों के साथ जिला न्यायालय में सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद कोर्ट ने अली अहमद को न्यायिक हिरासत में लेकर नैनी जेल भेजने का आदेश दिया है। अली की तरफ से कोर्ट में जमानत अर्जी भी दाखिल की गई, जिसे अर्जी खारिज कर दिया गया। दरअसल अतीक अहमद के छोटे बेटे अली पर प्रयागराज के प्रॉपर्टी डीलर जीशान अहमद उर्फ जानू के साथ मारपीट और 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप है। इस मामले में दिसंबर 2021 में अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही अली फरार चल रहा था। फरवरी महीने में प्रयागराज पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। गिरफ्तारी नहीं होने पर इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी गई थी। सर आज क्या हुआ है? आज और क्या मामला है? एक मुकदमा दर्ज हुआ था थाना करेली में 31 दिसंबर 2021 को, क्राइम नंबर 732/2021, धारा 147, 148, 309, 307, 308, 384, 423 IPC का, जिसमें श्री अतीक अहमद के पुत्र अली समेत 9 लोग और नामजद हुए थे। उसी मुकदमे में, उसी प्रकरण में आज अली ने जो है न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, जहां से उनको न्यायालय की सुरक्षा में लेकर कारागार भेजा जा रहा है। 50,000 इनाम रखना तो पुलिस के हाथ में 50 लाख रख दे तो कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि धारा 82 कार्रवाई नहीं हुई थी तो इनाम रखने कोई उचित नहीं थी। इनाम तब रखा जाता है जब धारा 82 हो जाए, 83 हो जाए, फरार रहे न हाथ में आए, तब इनाम रखा जाता है। आज FIR, कल इनाम थी तो पुलिस के इनाम आई। खान सौलत हनीफ एडवोकेट। अरे संदीप, लगाना आईडी। हाँ इमरान आईडी लगाओ। हाँ अली अली संजू भाई लगाइए। हाँ जी आओ। सुप्रीम कोर्ट से ना, हाई कोर्ट से।